हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक मुद्दा आपके सामने रख रही हूँ। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। मुद्दा जो कि 2-3 दिन से बहुत ही ज्वलंत रूप धारण किए हुए है, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल है हमारी संस्कृति का, हमारे अस्तित्व का, हमारी वेशभूषा, बोली भाषाएं, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, इन सब का सवाल है। और इसलिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ कि उत्तराखंड राज्य से आज एक और नई मांग उठी है। और यह मांग जो है बहुत लंबे समय से उठती आ रही है, लेकिन हर बार ये मांग ठंडी पड़ जाती थी, लेकिन इस बार यह मुद्दा एक बड़े रूप में उभर कर आया है, क्योंकि इस बार यह मुद्दा युवाओं के हाथ में है। युवाओं ने आवाज़ उठाई है, सोशल साइट्स पर एक ट्रेंड चलाया है, हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून। और मुद्दा यह है कि हिमाचल और सिक्किम जैसे राज्यों की तर्ज पर हमारे उत्तराखंड का भी भू कानून लागू। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य था, ये बना क्यों, इसके पीछे क्या कारण थे। पहले हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जो हमारा पहाड़ी समुदाय था, एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गया था। हमारी अलग संस्कृति थी, हमारी पहचान, हमारी वेशभूषा, बोली भाषा, सब कुछ अलग थी, और हमारा समुदाय एक छोटा सा समुदाय था। तो हमारी जो पहचान, हमारी जो संस्कृति थी, उसे अलग पहचान नहीं मिल पा रही थी। इस समय भी पर्वतीय जिलों से आवाज उठी थी, एक नए राज्य की मांग उठी थी, और स्लोगन था, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। इसके पीछे कारण यही था कि हमारी पर्वतीय संस्कृति को एक अलग पहचान मिले, हमारी एक अलग पहचान हो, हमारा अलग राज्य हो। तो हमें उत्तराखंड राज्य मिल गया। इसके लिए बहुत से आंदोलनकारियों ने बलिदान दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वह बलिदान जो था व्यर्थ जा रहा है? क्या हमने जिस आधार पर राज्य की मांग की थी, जिस मुद्दे को लेकर मांग की थी, क्या हम उस चीज को हासिल कर पाए हैं? क्या उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी आपको लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची हुई है या आगे बची रहेगी? नहीं, हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रही है। अब बात आती है कि 20 साल होने के बाद भी जब हमारे राज्य को अपनी एक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, हमारे राज्य में विकास की गति उतनी तेज नहीं है, हमारे राज्य में एक मजबूत कानून नहीं है भूमि को लेकर। अब देखिए, हिमाचल जो कि हमारा एक पड़ोसी राज्य है, और पड़ोसी राज्य होने के साथ साथ वह हिमालयी बेल्ट में आता है, एक पर्वतीय राज्य है, तो क्यों हिमाचल प्रदेश का और हमारे राज्य का कानून एक जैसा नहीं हो सकता? क्यों हमारे राज्यों की संस्कृति और सभ्यता एक जैसी होने के कारण भी हमारा जो कानून है वो एक जैसा नहीं है? अब बात करते हैं कि भू कानून क्यों जरूरी है। हिमाचल में कानून है कि वो वहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि खरीद नहीं सकता है, और इसके कारण ही वहाँ की संस्कृति जो है आज संरक्षित है, और वहाँ पर जनसंख्या पर एक नियंत्रण है। इसके उल्टा अगर हम देखें हमारे राज्य में होता क्या है, कितनी भी सीमा में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूमि खरीद सकता है, कोई बाउंडेशंस नहीं है आपके ऊपर, कितनी भी खरीद लो। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, उत्तराखंड की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब दूसरा बता दूं तो जो हिमाचल की कृषि भूमि है वो जो है हिमाचल के किसानों की है, ठीक है, उन्हीं के काम आती है, वही लोग उसमें खेती करते हैं। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में क्या है, कृषि भूमि बेची जा रही है बाहरी लोगों को। अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी किसान हैं वो उस भूमि में खेती क्यों नहीं करते हैं, उसे बेच क्यों देते हैं। तो उसका एक अलग कारण है जो है, मतलब चकबंदी, यहाँ पर चकबंदी नहीं है, इस वजह से पहाड़ी किसान
हर खेत में खेती नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अलग मुद्दा है, खैर, जो कि समय समय पर यह मुद्दा भी उठता आया है। गरीब क्रांति अभियान के तहत यह मुद्दा समय समय पर उठाया जाता है और आगे भी शायद ये मुद्दा भी एक ज्वलंत रूप धारण करे आगे जाके। तो अभी हम खैर बात भू कानून पर ही करेंगे। तो जो है भू कानून, तो मतलब कृषि भूमि यहाँ की जो है पहाड़ी क्षेत्रों की, वो भी बेची जाने लग गई है धीरे धीरे। इसका परिणाम क्या हो रहा है? मृदा अपरदन, भू कटाव। ठीक है, तो जब बरसात का समय आता है, लैंडस्लाइड होती है, कहीं ना कहीं ये सभी कारण हैं कि जो हमारी हमारे पर्यावरण को भी खतरा पहुंचा रहे हैं। और तीसरी चीज, हिमाचल में एक कानून आया था कि जो सरकारी कर्मचारी 15 साल हिमाचल में रह चुका हो वह जमीन खरीद सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शर्तें थी और इसे बाद में बढ़ा करके 30 वर्ष कर दिया गया था कि जो 30 वर्ष यहाँ रह चुका है वो यहाँ पर जमीन खरीद सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी। और इसके पीछे शर्तें भी बहुत सारी थी, जिन कड़ी शर्तें भी रखी गई थी। तो इतना आसान नहीं है वहाँ पर जमीन खरीदना, और हम चाहते हैं ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो। हमारे पहाड़ी जिले पर्यटन के उद्देश्य से बहुत ही लाभदायी हैं। आप चमोली जिले देखिए, या फिर आप इधर कुमाऊं की साइड जाइए या पौड़ी की साइड जाइए, ये सारे जिले पर्यटन की दृष्टि से बहुत लाभदायी हैं। इस कारण बाहरी लोगों का यहाँ बसना निरंतर बढ़ता जा रहा है। चार धाम यात्राएं इधर है, सिखों का पवित्र स्थल इधर है, इस वजह से उस क्षेत्र में जो है भूमि का मतलब भूमि की खरीद फरोख्त जो है बहुत ज़्यादा होने लग गई है। पहले ये मैदानी क्षेत्रों तक ही था, लेकिन अब पहाड़ों में भी होने लग गया है। इसका परिणाम क्या होता है कि पर्यावरण प्रभावित होता है। जैसे बाहर के लोग आकर यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं या कोई उत्तराखंड के लोग हैं, तो उनके पास एक जरिया मिल जाता है उन्हें कि हम अपनी भूमि को बेचेंगे और हमें कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर कानून बन जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा और हम अपनी उस भूमि का उपयोग किसी दूसरे कार्य में कर सकते हैं। वो भूमि हमें दूसरे तरह से लाभ दे सकती है, साथ में हमारी संस्कृति का संरक्षण भी होगा। उत्तराखंड में जब नया राज्य बना था तो उस टाइम पे कानून आया था कि जो है 2002 में एक कानून आया था कि बाहरी राज्य का व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ 500 वर्ग मीटर की ही जमीन खरीद सकता है, और 2007 में इसको बदल के इसमें क्या किया गया कि इसको 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। लेकिन 2018 में सरकार एक नया अध्यादेश लेके आई जिसमें इस सीमा को ही खत्म कर दिया गया। अब बाहरी राज्य का व्यक्ति कितनी भी जमीन हमारे उत्तराखंड में खरीद सकता है। तो वर्तमान स्थिति ये बन रही है कि देश का कोई भी नागरिक यहाँ पर जमीन खरीद कर रहने लग गया है, जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, इन सब की विलुप्ति का एक कारण बन सकता है। इसके पीछे हम ये नहीं कहते कि हमें दूसरे राज्य के लोगों से कोई नफरत है या हम उनको किसी हीन भावना से देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी राज्यों का, सभी संस्कृति, सभी लोगों की संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा एक समुदाय है, पर्वतीय समुदाय, पहाड़ी जो हम लोग हैं, ये बहुत ही छोटा समुदाय है। और ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हम सब लोग लुप्ति की कगार पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये हम जो कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने राज्य की पहचान को बचाने के लिए उठा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि अन्य पर्वतीय राज्यों की ही तरह हमारे राज्य में भी एक भू कानून बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और यह ट्रेंड रुकना नहीं चाहिए। #हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।